टॉपिक है ओम्स लॉ। देखो, ओम्स लॉ आपने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है। ओम लॉ में आपने ये किया हुआ है कि अगर कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है और दो पॉइंट्स हैं इसके कॉर्नर के ए एंड बी, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का वी है तो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V का मतलब यहाँ पर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, V का मतलब यहाँ पर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ये V1 है, ये पोटेंशियल V2 है, और मान लो V1 हाई पोटेंशियल है, V2 लो पोटेंशियल है। तो आपको ये सबको पता होगा कि अगर एक हाई और एक लो पोटेंशियल है तो पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर मूव करेगा तो करंट ऑपोजिट मूव करेगा। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? हायर टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हमारा कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ रहता है। क्लियर है? नेगेटिव के ऑपोजिट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हायर से लोअर है तो यहां पर करंट भी हायर से लोअर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? नंबर वन। नंबर टू, इसमें वी का मतलब होता है वी वन माइनस वी टू। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी वन माइनस वी टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या करना है? ओम लॉ डिस्कस करना है। ओम लॉ के लिए प्रूफ बुकलेट में भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसका प्रूफ एनसीईआरटी में सिलेबस में और आता है। V इज इक्वल टू आई आर है, आर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप प्रूफ की बात करते हो तो प्रूफ में, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, इसके अंदर आप ये प्लीज लिख ही लेना, जहां आपकी सीबीएसई की बुकलेट है उसके अंदर आप नोट कर लेना, लिखा हुआ है वैसे साइड पे, फिर से लिख लेना। तो हमने ड्रिफ्ट फिलोसफी का पहला फॉर्मूला क्या किया था? आई बाय एन ए ई, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा फॉर्मूला हमने किया था ड्रिफ्ट फिलोसफी का ई ई बाय एम इन टू टाओ, ऐसे किया था ना। आप कहेंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन तो तब लगाया था जब मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं। अगर ई भी वेक्टर, वी डी भी वेक्टर, तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है, इसलिए साइन नेगेटिव लगता है। पर अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो दोनों क्लियर है। तो क्योंकि दोनों फॉर्मूलाज ड्रिफ्ट के हैं, वन इज इक्वल टू टू कर लो तो आपके पास क्या टर्म आएगी? आई बाय एन ए ई इज इक्वल टू ई ई बाय एम इन टू कितना? तो आपने इन्हें क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। अब यह चीज आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो E की वैल्यू है वो क्या होती है? dV by dr। तो अगर आपका कंडक्टर है जिस पे ओम लॉ लगा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू dV by dr से क्या पुट कर सकते हैं? V by L। क्या है पॉइंट? क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर एक काम करते हैं, आए डिवाइडेड बाई एन ए ई इज इक्वल टू ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं पुट करने लगा हूं वी अपॉन एल, वी बाई एल इन टू टाओ डिवाइडेड बाय एम। क्या है पॉइंट? क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब एक काम करो, ये वी टर्म है और ये आई है, वी और आई को एक तरफ रखो, बाकी टर्म्स को उठा के इधर ले आओ, तो क्या बनेगा? m इंटू एल डिवाइडेड बाय n a e का स्क्वायर इंटू टाओ। लेकिन v बाय i क्या होता है? r, r। तो क्योंकि ये सब कांस्टेंट्स हैं, किसी भी वायर के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, गिवन कंडक्टर के लिए लेंथ कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट, एरिया e टाओ सब कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन कंडक्टर, प्रोवाइडेड टेम्परेचर सेम रहे, फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। तो ये क्या आ जाएगा? ये ओम लॉ का प्रूफ आएगा, R इज इक्वल टू V by I। यहां से फॉर्मूला निकल के आया रेजिस्टेंस का, क्या? M L एरिया N E स्क्वायर इनटू टाउ। तो फॉर्मूला रजिस्टर में, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्लीज नोट कर लें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज M लेंथ ऑफ कंडक्टर N E स्क्वायर टाउ इनटू A। ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज याद रखें
किसी भी कंडक्टर के लिए अगर एक वायर लेते हो, फॉर अ गिवन वायर ना तो एम चेंज होगा, ना एन चेंज होगा, ना ई ना टाउ, ये लो। तो ये टर्म की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, रो, रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का साथ में नोट करें, वेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी नोट करें, ये पूरी टर्म m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर इनटू टाउ इज रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है, ये नोट करें प्लीज। ठीक है, तो ओम लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपकी एनसीईआरटी की आप एक बार जरा वो ओपन करें बुकलेट। ये रहा, तो ओम लॉ के अंदर स्टेट एंड प्रूफ ओम लॉ जब आएगा, स्टेटमेंट में ऐसे लिखना है, इट स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन में क्या, ना तो आपने टेम्परेचर चेंज करना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, टाउ कम हो जाएगा, टक्कर जल्दी हो जाएगी। और रेजिस्टेंस, अभी मैंने क्या दिखाया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, चेक कर लो, जो भी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली ना आर, चेक करो आर की वैल्यू ये निकाली थी, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, क्योंकि टाइम अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसलिए बोलते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन ओम लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट। तो इसलिए फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं चाहिए। करंट फ्लोइंग अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to potential difference across it. Clear है यहाँ तक? अब इसके अंदर derivation हमने कर ली, अभी मैंने लिख के दिखाई आपको, drift velocity के दोनों formulas equate किया, v by e को v by l put किया, तो v by i constant आया, और साथ ही formula क्या लिखा भी हमने, r is rho l by a, बड़ा important formula है, बड़ा काम आता है numericals में, और resistivity का formula भी ये रहा। resistivity किसी भी conductor की अगर आप लेते हो, मान लो copper ले आए, ना तो m चेंज होगा, ना e चेंज होगा, ना n चेंज होगा अगर एक गिवन लेंथ है, ना tau चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी कॉपर की कांस्टेंट है। ऐसे अगर एल्यूमिनियम के लेके आते हो तो रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की कांस्टेंट है। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, डायमेंशन चेंज करने से कुछ नहीं होता। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यूनिट्स पता ही है, ओम होते हैं इसके, तो ये ओम्स लॉ है और इसका प्रूफ है।